जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा सकता। कभी खुशहाल कभी उदास, कभी जीत तो कभी हार होगी, यह जिंदगी की सड़क है, धीरे धीरे पार होगी। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वह कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिव लाइफ विद रचना। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, तो कैसे हैं आप सभी लोग? और मैं बस ठीक हूँ, अच्छी हूँ। तो यहाँ पर मेरी मॉर्निंग हो गई है और एक नए दिन की शुरुआत हो गई है, तो देखिए आगे का दिन कैसे जाता है, और होप करती हूँ कि अच्छा ही जाए। तो बस यहाँ पर मैं उठने के बाद वही रोज़ का काम मेरा, थोड़ी देर यहाँ खड़ी होती हूँ, खिड़की खोल देती हूँ और यहाँ अपने बिस्तर ठीक करती हूँ। इसके बाद फिर मैं किचन में जाऊँगी और फिर चाय बनाऊँगी। तो यहाँ मैं फ्रिज में से अदरक निकाल लेती हूँ और दूध चाय के लिए निकाल कर चाय बनाऊँगी सबसे पहले। तो किचन में ना बर्तन रखे हुए हैं धुले हुए, पहले इनको हटा देती हूँ, जगह पर रख देती हूँ, तो थोड़ी सी यहाँ पर जगह हो जाएगी। और बस इसके बाद मैं चाय बनाऊँगी। तो थोड़ी सी यहाँ स्लैब भी साफ़ कर देती हूँ, प्लेटफॉर्म जो भी है यहाँ का, क्योंकि सामान रहता है, धुले हुए बर्तन थे वैसे तो, ये कल के शाम के बर्तन होते हैं, सुबह तक सूख जाते हैं, तो मैं अपना जगह पर लगा देती हूँ इसको। तो बस अब मैं चाय बनाऊँगी। तो चाय बन गई है, बस यहाँ छान लेती हूँ। और इसके बाद मैंने ना आज बालकनी में चेयर डाल ली थी, तो यहीं बैठी हूँ क्योंकि अच्छा लग रहा था यहाँ पर बैठने पर, तो मैंने यहीं पर चाय पी है आज बालकनी में बैठ। तो बस यहाँ पर मेरी चाय हो गई थी और दाना पानी रख दिया है गिलहरी चिड़ियों को। अब मैं योग करूँगी यहाँ पर, तो अपनी ये बिछा लेती हूँ जो दरी होती है। तो ज़्यादातर मैं प्राणायाम करती हूँ, जिसमें कि अनुलोम विलोम होता है, भस्त्रिका होता है और कपालभाति होता है, ये सब करती हूँ और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर योग हो गया है, अब आंवले का जूस बना लेती हूँ। तो आ गई हूँ मैं अपना जूस लेकर, आंवला जूस टाइम है ये मेरा, ये पी लेती हूँ। तो जूस भी बस पी लिया था और किचन में आ गई हूँ। तो ये ना साबुत मूंग की दाल में अंकुरित करने के लिए इसको भिगो रही हूँ पानी में। जो स्प्राउट्स होते हैं ना, बहुत ही हेल्दी होते हैं, उसी के लिए मैंने इसको भिगो रखा है। तो 2 घंटे भिगोना होता है, इसके बाद मैं इसको एक जाली में निकाल देती हूँ और कोई कपड़े में नहीं बांधती हूँ, आराम से उसमें निकल आते हैं एक दिन में ही। और इसके बाद ये है ब्रेकफास्ट की तैयारी, तो इसमें मैं सब्जियाँ काट रही हूँ। आज मैं गेहूं का दलिया बनाने वाली हूं, तो इसके लिए मैं यहां सब्जियां काट रही हूं। गाजर है, बीन्स है, शिमला मिर्ची थी और प्याज भी कट कर लिया था। तो ये है जो गेहूं का दलिया होता है ना। तो यहां बेल बजी थी, डोरबेल, तो मैंने देखा है हमारी आ गई है सुमकी।
इधर ही ले आओ। तो बस यहाँ पर दलिया मैंने लिया था आधी कटोरी के करीब और हल्का सा घी डालकर इसको ना रोस्ट कर लेना है। तो रेसिपी तो मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ इसकी, लेकिन मैं थोड़ी सी कर देती हूँ फिर भी हर बारी। और यहाँ पर देखिए घी डालकर इसमें वही राई पड़ती है, प्याज पड़ता है, और ये सारी सब्जियाँ डालकर पका लेनी है, जिसमें मैंने मटर भी डाल दी थी ऊपर से। तो कोई भी सब्जियां आप डाल सकते हैं, कॉर्न अगर रखा है तो कॉर्न भी अच्छा लगता है इसमें, वो डाल सकते हैं। टमाटर भी मैंने डाला था, कभी कभी नहीं भी डालती हूँ। और ये इसमें जब पक गई है सब्जियां, तब इसमें रोस्टेड ये दलिया डालकर गर्म पानी डाल दिया है और बस यहाँ पर ढककर पका लेना है लो फ्लेम पर। तो ये धीरे धीरे पकता है अच्छे से और बस ये खिला खिला दलिया यहाँ उपमा तैयार है। उपमा भी कह सकते हैं दलिया का ये। तो मैं इसी तरह का थोड़ा बनाती हूँ, थोड़ा सा ड्राई साइड की तरफ ही होता है। और ऊपर से रोस्टेड इसमें मूंगफली डाल ली है, तो बहुत अच्छी लगती है इसमें मूंगफली जो डालते हैं ना ऊपर से। तो बस अभी यहाँ पर करूँगी मैं अपना नाश्ता। और यहाँ नाश्ता करने के बाद मैं इस रूम में आ गई थी। तो जो कल मैंने ये आर्ट वाला रूम आपको दिखाया था, पेंटिंग्स वगैरह ठीक की थी, तो आज मैं ये अलमीरा ठीक कर रही हूँ। तो इसमें कुछ कपड़े रखती हूँ यहाँ पर, तो ये जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं उसमें मैंने रख दिए हैं। और इधर एक साइड में मैंने सारे अपने पैंट्स लगा रखे हैं, जीन्स हैं। तो ये जो जैगिंग चली थी ना बहुत ज़्यादा, सारे कलर्स मैंने ले रखे थे, रेड, मरून, ब्लैक, येलो, पिंक, ऑरेंज, ब्लू, सभी कलर के हैं। और वैसे मैं पहनती कम ही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं पहनती हूँ, और सूट्स ही ज़्यादा पहनती हूँ और साड़ी भी पहनती हूँ। तो साड़ी तो मैं बहुत ज़्यादा, मुझे शौक है पहनने का, और मेरे हस्बैंड को भी साड़ी बहुत अच्छी लगती थी, तो उन बहुत अच्छा कलेक्शन है, बहुत साड़ी दिलवाते थे वो। कुछ भी होता था, कोई भी ओकेजन होता था, उसमें मैं साड़ी ही पहनती थी पहले भी और अभी भी पहनती हूँ, मुझे बहुत पसंद है साड़ी पहनना। तो इसमें ये सारा सामान रहता है और ये मेरा आर्ट का सामान नीचे रहता भरा हुआ है अभी, तो इसको भी लगाना है, बस इसमें हिम्मत नहीं होती लगाने की क्योंकि बहुत फैल जाता है। तो बस वो सारा क्लीन करके मैंने लगा दिया था। इसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ और अब लंच का टाइम होगा, लंच की तैयारी है। तो आज मैं ना करेले की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, जो कि मेरी तो फेवरेट है, ये बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है करेला। और ये सीज़न का पहला करेला है, मतलब मैं पहली बार लाई हूँ और चार ही लाई थी इस बार ना, और इसमें भी दो में तो इतना बीज निकला है, पका हुआ था बिल्कुल, तो उसको निकालना पड़ा है। और इस तरह फिर मैंने रिंग में इसको काट लिया है गोल गोल, और बिल्कुल मैं सादा जो भुजिया टाइप होती है ना वो बनाती हूँ। तो इसमें प्याज थोड़ी सी ज़्यादा पड़ती है, दो प्याज मैंने ले ली थी मीडियम साइज़ की, और इसको स्लाइस में कट कर लिया है। और बस यहाँ पर कढ़ाई चढ़ाने के बाद सरसों का तेल डाला है, तो सरसों के तेल में ही अच्छा बनता है। और ये देखिए जो जीरा और सरसों एक ही में मिल गया, गलती से मैंने डाल दिया था, जीरा वाले में ही मैंने सरसों भी डाल दी थी, तो कोई बात नहीं। इसमें मैंने डाल दिया है मेथी डाला है और थोड़ा सा जीरा डालकर, और इसमें सौंफ ज़रूर डालती हूँ मैं, तो सौंफ डाला है भर के एक चम्मच। और इसके बाद ना प्याज को और करेले को साथ में ही डाल दिया है, क्योंकि इसमें पानी तो जाता नहीं है, तो ये धीरे धीरे पकती रहती है और बहुत ही अच्छी बनती है। और थोड़ा सा हाई फ्लेम पर इसको सेक लिया था। इसके बाद मैंने मसाले डाले हैं, धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर है इसमें, तो ये सब डालकर और नमक डालकर इसको पका लिया है लो फ्लेम पर। तो पहले तो हाई फ्लेम पर थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेना है, इसके बाद लो फ्लेम पर पकाया है। बस यहाँ पर लास्ट में मैंने अमचूर और थोड़ी सी शुगर डाल दी है बैलेंस करने के लिए। तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ, वैसे ना स्टफ़ वाला भी बनाती हूँ, पर उसमें बहुत मेहनत होती है, और वो करेला भी थोड़ा दूसरी तरह का होता है। जब और अभी सीज़न में आएगा तब मैं बनाऊँगी। और बस दाल भी चढ़ा दी थी साथ में मैंने यहाँ पर, जो तुअर की दाल होती है, और ये सब ठीक कर दिया है, डस्टिंग कर दी थी, और ये ड्राइंग रूम भी ठीक कर दिया है, जो कुशन वगैरह थोड़े से इधर उधर हो जाते हैं। और इसके बाद मैं मशीन में कपड़े डालने जा रही थी, तो देखा कि ये डिटर्जेंट भी ख़त्म हो रहा था, तो इसको भी मैंने भर लिया है डिब्बे में। और बस अभी ये जो बेडशीट वगैरह निकलती है दूसरे रूम की, वो भी निकाल कर इसमें धो दिया था,
और अब आ गई हूँ मैं यहाँ पर नहाकर, तो ये कपड़े सब बाहर डाल दिए हैं मैंने। बस यहाँ कंघी कर ली थी मैंने और अभी दाल में तड़का लगाना बाकी है, रोटी बनाना बाकी है, लंच की पूरी तैयारी हो गई है। तो बस अब फिर से किचन में चलती हूँ और मैं आ गई हूँ यहाँ किचन में, तो तड़का लगा देती हूँ। इसमें फ्राई पैन में मैंने लिया है घी और उसमें डाला है थोड़ा सा जीरा, हींग डाल दी है, हींग जीरे का तड़का लगाती हूँ, ज़रा सी लाल मिर्ची का पाउडर डालती हूँ जिससे कि ना कलर बहुत अच्छा आ जाता है। तो बस ये लगा दिया है मैंने इसमें तड़का, और दाल थोड़ी सी गाढ़ी हो रही थी तो इसमें मैंने पानी अलग से गर्म करके थोड़ा सा मिक्स किया है। और अब बना लेती हूँ रोटी। तो रोटी यहाँ पर बन गई थी, अब यहाँ प्लेटिंग कर लेते हैं लंच की मेरी जो थाली है। और इस तरह से ना करेले को मैंने साइड में कर दिया था, जो एक्स्ट्रा ऑयल था वो भी निकल गया था। तो दही है, दाल है, राइस भी बनाया था, रोटी है, तो बस ये लगा ली है मैंने अपनी लंच की थाली। तो एक बहुत ही बैलेंस्ड फूड और टेस्टी। तो चलिए बस यहाँ पर खाना खा लेते हैं। और आप लोगों में से किस किस को पसंद है करेले की सब्ज़ी? वैसे मैंने देखा है ज़्यादातर कि करेला जिसको पसंद होता है तो बहुत होता है, नहीं तो फिर बिल्कुल भी नहीं होता है, छूता भी नहीं है। कई लोगों को मैंने देखा कि करेला बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, पर हमारे यहाँ तो खाया जाता है और मायके साइड में तो बहुत ही करेला खाया जाता था। तो मुझे तो आदत है, बचपन से मैंने खाया हुआ है। तो खाना यहाँ मेरा हो गया था, बची हुई थोड़ी सी सब्जी थी वो मैं निकाल कर फ्रिज में रख दिया है, करेले की। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लंच मेरा हो गया है और करेले की सब्जी ना बहुत ही अच्छी बनी थी। तो दाल करेले की सब्जी का ना एक कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। इसके बाद जो कल का ये हलवा रखा था ना वो मैं खा रही हूँ मीठे में, तो ये थोड़ा सा बचा हुआ था वो मैं खा लेती हूँ। और यहाँ पर सारा खाना पीना करने के बाद मुझे ना कहीं आज जाना था। एक्चुअली मुझे बुटीक जाना था, कुछ कपड़े डाले थे सिलने के लिए, तो इसी के लिए मैं निकल गई थी। तो मैं गाड़ी से जा रही हूँ अपनी, क्योंकि पास में ही है बुटीक जो है। और बहुत ज़्यादा मैं ड्राइव नहीं करती हूँ मेन रोड पर यहाँ आसपास जो होता है तो मैं चली जाती हूँ। वैसे कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है, मेन रोड पर भी मैंने चलाई है, लेकिन वही है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, इतना जाना तो होता नहीं है कहीं पर, तो अवॉइड ही करती हूँ। तो बस वही अभी मैं लेकर आती हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने साइड में अपना ट्राइपॉड रख दिया था और मोबाइल लगाकर उसमें कैमरा, तो वो बार बार ना गिरे जा रहा था, तो रुक रुक के उसको ठीक करना पड़ रहा था, क्योंकि मैंने सोचा चलो थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। और वैसे ना मोबाइल की बैटरी एकदम से लो हो रही थी तो मैंने उसको ऑफ़ कर दिया था, इसके बाद मैं आगे का शूट नहीं कर पाई थी। और घर आने के बाद ही मैंने थोड़ा सा किया है। तो बने रहिए मेरे व्लॉग में, देखते रहिए पूरा, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
मेरा काम हो गया था बुटीक का, तो मैं यहाँ से घर के लिए वापस हो रही थी और फिर मैंने घर जाकर मोबाइल भी चार्जिंग पर लगा दिया था। थोड़ा बहुत शूट करने के बाद ना यहाँ 2% ही बस उसमें रह गई थी। और ये है वॉक का टाइम, तो वॉक किया था। और ये सोसाइटी मेरी बहुत सेफ़ है, यहाँ पर सारी लेडीज़ रात में ही वॉक करती हैं, कोई भी ऐसा यहाँ इशू नहीं है, डर नहीं है। तो चलिए मिलती हूँ कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।